बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, वज़ू किन चीज़ों से टूट जाता है, मतलब वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आप इन चीज़ों को न करें और आपका वज़ू सही से मुकम्मल हो। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें बहुत है, हम आपको आसान लफ्ज़ों में बताएंगे और आप आसानी से समझ जाएंगे और आपको वज़ू का सवाब हासिल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वजू किन चीज़ों से टूट जाता है। वजू तोड़ने वाली चीज़ें का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जो शरीयत में मना है, यानि जिनको नापसंद किया गया है और उसे अगर वजू के हालत में किया गया हो तो उन चीज़ों को वजू तोड़ने वाली चीज़ें कहते हैं। वजू किन चीज़ों से टूट जाता है। वजू टूटने वाली चीज़ें 10 है जिन्हें हम आप लोगों को तफसील से बताएंगे ताकि कोई भी गलती वजू में आपसे न हो जिसकी वजह से आपका वजू टूट जाए। नंबर 1, पेशाब या पैखाना करना। इसकी तो आप सबको मालूमात होगी कि वजू में पेशाब करना मना है क्योंकि ये वजू के अदब के खिलाफ है। इसलिए आपको चाहिए कि आप वजू करने से पहले ही इन सब कामों को कर ले। नंबर 2, खून या पीप निकलना। अगर आपको कहीं चोट लगी हो या कहीं फोड़ा फुंसी हो गया हो और उसमें से खून या पीप निकल जाए और बदन के किसी ऐसे अज्व पर गिरे जिसे वजू में धोना फर्ज हो तो उससे आपका वजू टूट जाएगा। नंबर 3, मुंह से कुछ निकलना। मतलब ये कि आप वजू से हैं और आपके मुंह से खाना पानी या खून वगैरह का मुंह भर के हो जाए तो आपका वजू टूट जाएगा। नंबर 4, बेहोश हो जाना। किसी वजह से आप वजू के दौरान बेहोश हो जाते हैं या चक्कर खाकर गिर जाते हैं तो आपका वजू टूट जाता है और आपको दोबारा से वजू करना होगा। नंबर 5, नशे में होना। नशे में होने से वजू टूट जाता है। अगर आपको किसी चीज़ का नशा, शराब या किसी और चीज़ का नशा कुछ इस तरह चढ़ जाए कि आपको चलने तक में कदम लड़खड़ा जाए तो वजू टूट जाता है। यूँ तो इस्लाम में नशा करना ही सख्त मना है तो इससे वजू टूटने वाली चीज़ें का कोई मतलब नहीं जो इस्लाम में मना है, मतलब मना है। नंबर 6, जोर जोर से हंसना। नमाज के दौरान जोर से हंसना सख्त मना है, इससे वजू तो टूट जाता है और गुनाह अलग से मिलता है। नंबर 7, बदन का दर्द करना। अगर आपके छाती में दर्द हो या नाक और कान में दर्द हो जिससे पानी निकल जाए तो इससे वजू टूट जाता है। नंबर 8, जिस्म के किसी रास्ते से नजस चीज़ों का निकलना। वजू के दरमियान पेशाब या पैखाने के रास्ते से कोई चीज़ निकल जाए या हवा निकल जाए तो वजू टूट जाएगा। नंबर 9, आँखों से मल निकलना। दुखती हुई आँखों में से मल निकल जाए तो आप आँखों में पानी डालकर उसे साफ कर ले क्योंकि इससे वजू टूट जाता है। नंबर 10, गाली देना। किसी को गाली देना मना है और अगर ये वजू के दौरान दी जाए तो और भी बड़ा गुनाह है, इसकी माफ़ी नहीं है क्योंकि ये कबीरा गुनाह है जो सिर्फ तौबा से ही माफ़ होगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वजू किन चीज़ों से टूट जाता है, जिसे आपने देखा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस्लाम और इस्लाम से जुड़ी ज़रूरी सही बातों की मालूमात हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर लें और इस्लाम के बारे में अपने दोस्तों और मुसलमान भाइयों को शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।